हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर का ये टॉपिक लेंगे, क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी। तो केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ रहे थे, तो उसमें क्वांटम यील्ड क्या होता है इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। क्वांटम यील्ड इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग फोटोकेमिकल प्रोसेस अपॉन नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। ठीक है, तो क्वांटम यील्ड क्या है? नंबर ऑफ अंडरगोइंग फोटोकेमिकल प्रोसेस, कोई भी फोटोकेमिकल प्रोसेस कितने मॉलिक्यूल्स उस प्रोसेस को अंडरगो कर रहे हैं अपॉन नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। ठीक है, अब ये फोटोकेमिकल प्रोसेस को ऐसा भी हो सकता है जैसा हमने पढ़ा था, ये रेडिएटिव प्रोसेस भी हो सकता है। रेडिएटिव प्रोसेस कौन से थे? फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंस। ठीक है, या नॉन रेडिएटिव या रेडिएशन लेस प्रोसेस भी हो सकता है। नॉन रेडिएटिव प्रोसेस कौन से थे? इंटरनल कन्वर्जन, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इनमें से कोई सा भी प्रोसेस हो सकता है या केमिकल रिएक्शन हो सकता है। ये सब आपने पढ़े थे, ये सारे केमिकल प्रोसेसेस या ये सारे जो प्रोसेसेस हैं इनमें से कोई भी, ये सब फोटोकेमिकल प्रोसेस है। तो जितने मॉलिक्यूल इस प्रोसेस को कर रहे हैं अपॉन नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, उससे हमारे पास आती है क्वांटम यील्ड, जो कि हमको बताती है एफिशिएंसी ऑफ अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, वो रिएक्शन कितना एफिशिएंट है। ठीक है, ये हमको क्वांटम एफिशिएंसी इससे पता चलती है। अब अगर फाई की वैल्यू 1 है, phi is equal to 1, इसका मतलब क्या हुआ? Each quanta of light absorbed gives one molecule of the product। ठीक है, अगर quantum efficiency 1 है, इसका मतलब 100% efficient process है। तो electronically excited molecule, जो हर एक quanta of light जो absorb करेगा electronically excited molecule, उससे एक product का molecule बनेगा। लेकिन दिस इज ओनली द आइडियल कंडीशन, एक्चुअली फाइ की वैल्यू जो है वो 1 से हमेशा कम होती है। फाइ इज ऑलवेज लेस देन 1, और कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें फाइ की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा होती है। वो कौन से रिएक्शन होते हैं? चेन रिएक्शंस। ठीक है, तो ये फाइ का फॉर्मूला है, और इसमें से प्रोसेस जो फोटोकेमिकल प्रोसेस कोई सा भी हो सकता है, रिएक्शन भी हो सकता है, आईएससी ये सब कुछ भी हो सकता है। और अगर फाई की आइडियल वैल्यू 1 होती है, एक्चुअली 1 फाई इज नेवर इक्वल टू 1, ये फाई की वैल्यू 1 से बहुत कम होती है, और कुछ जो चेन रिएक्शन होते हैं उनमें फाई की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा होती है। अब ये फाई के लिए हम बहुत सारे फॉर्मूले लिख सकते हैं, इसको अलग अलग फॉर्म्स में हम देख सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम, अगर रिएक्शन हो रहा है तो मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम अपॉन एब्जॉर्ब्ड क्वांटा और फोटॉन्स इन द सेम टाइम। नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड इन अ गिवन टाइम, मोल्स के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। नंबर ऑफ एब्जॉर्ब आइंस्टीन, आइंस्टीन फोटोन को भी बोलते हैं, फोटोन को आइंस्टीन भी बोल सकते हैं, क्वांटा भी बोल सकते हैं। Then we have this rate of photochemical reaction upon number of absorbed ions. Number of moles reacted in a given time rate हो गया। दिए गए टाइम में कितने मोल्स रिएक्ट करते हैं वो आपकी रेट होगी, और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है उसको अगर हम एब्जॉर्ब आइंस्टीन से डिवाइड कर दें तो हमारे पास फाई आ जाएगा। नाउ
अब रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस dA अपॉन dT। रिएक्टेंट आपका कितना टाइम के साथ कितना कम हो रहा है ये हमारे पास आ गया अपॉन नंबर ऑफ एब्जॉर्ब एंटाइम मतलब एच न्यू हो गया, तो एच न्यू को हम एनर्जी भी लिख सकते हैं, तो एनर्जी अपॉन एनर्जी और रिएक्शन एनर्जी एब्जॉर्ब वाटर एब्जॉर्ब को हम एनर्जी एब्जॉर्ब भी लिख सकते हैं, तो ये भी फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। तो फाइव के लिए हम ये डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं। अब फाइव की वैल्यूज के बेसिस पर रिएक्शन थ्री टाइप्स के हो सकते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। फाइव की वैल्यू या तो वन हो सकती है या रिएक्शंस विद फाइव इक्वल टू यूनिटी वन या यूनिटी, और सेकेंड होता है रिएक्शंस विद हाई क्वांटम यू, और थर्ड है रिएक्शन विद लो क्वांटम यू। तो ये तीन टाइप्स के रिएक्शन होते हैं। फाइव इज इक्वल टू वन हमने पढ़ा है, दिस इज द आइडियल कंडीशन। क्या होगा, एक क्वांटा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करके हर एक मॉलिक्यूल जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ईच क्वांटा जो एक हमने फोटोकेमिकल एक लॉ होता है फोटोकेमिस्ट्री का, लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। Each molecule absorbs one quanta of light. So one molecule, one quanta. हर एक मॉलिक्यूल एक क्वांटा एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक क्वांटा एब्जॉर्ब करके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ईच मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स वन क्वांटा ऑफ लाइट। ऑक्सीजन से ओजोन बनता है, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं और भी बुक में आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ये सब कैसे होते हैं हाई क्वांटम यील्ड रिएक्शंस। तो हाई क्वांटम यील्ड रिएक्शंस में क्या होता है, एक क्वांटा एब्जॉर्ब होता है लाइट का, वन क्वांटम ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब, ये कौन सा प्रोसेस हो गया प्राइमरी प्रोसेस, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोसेस में मॉलिक्यूल जो है वो एक क्वांटा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करेगा और फिर वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, एक्साइटेड स्टेट से फिर वो सेकेंडरी प्रोसेस उसमें होंगे, तो उसमें और एक्साइटेड स्टेट बन जाएगी। तो इस तरह से ये चीज चलती रहती है, एक्साइटेड स्टेट्स के मॉलिक्यूल्स बनते रहते हैं जब तक कि सारे एक्साइटेड स्टेट्स खत्म नहीं हो जाए।
एक क्वांटा एब्जॉर्ब करके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो रिएक्ट करते हैं, इसलिए क्वांटम एफिशिएंसी 1 से बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब रीजंस क्या है उसके, हाई क्वांटम यील्ड के दो रीजन हो सकते हैं, रीजंस फॉर हाई क्वांटम यील्ड। पहला रीजन है एक्साइटेड स्टेट जो है इज वेरी स्टेबल, जो आपके प्राइमरी प्रोसेस में एक्साइटेड स्टेट बनी वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगी, तो क्या होगा वो आगे फर्दर रिएक्ट नहीं करती, वो किसी ग्राउंड स्टेट के मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर लेती है और फिर उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल लें नाइट्रोजन क्लोराइड, इसको अगर हम इरेडिएट करते हैं तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट बन गई। तो दिस इज द प्राइमरी प्रोसेस, अब सेकेंडरी प्रोसेस में क्योंकि ये बहुत स्टेबल है, एक्साइटेड स्टेट इसकी स्टेबल है इसलिए ये आगे टूटती नहीं है और फ्री रेडिकल्स नहीं बनती है, बट इट रिएक्ट विद अदर मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन क्लोराइड इन द ग्राउंड स्टेट और इन दोनों का फिर डिकम्पोजिशन हो जाता है, 2NO2+ ठीक है। तो इस तरह से जो ये सेकेंडरी प्रोसेस हो गया, तो एक क्वांटा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करके दो मॉलिक्यूल्स का डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो क्वांटम एफिशिएंसी या क्वांटम यील्ड कितनी हो गई, 2। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स हैं आपके, 5 क्या होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग, तो वो 2 हो गए, अपॉन एब्जॉर्ब क्वांटा 1 हो गया, तो 5 की वैल्यू 2। तो इस तरह से अगर एक्साइटेड स्टेट स्टेबल है तो वो फर्दर ग्राउंड स्टेट से रिएक्ट कर लेती है, इसलिए क्वांटम एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो एक तो इसका रीजन ये है। नाउ वी विल सी द सेकंड रीजन, दूसरा है एक्साइटेड स्टेट बहुत ज्यादा, एक्साइटेड स्टेट इज अबव द मैक्सिमम स्टेबिलिटी लेवल। या तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी से ऊपर चल जाती है या अनस्टेबल हो जाती है, एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल हो जाती है, तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगी। अब जैसे हम इसका एग्जांपल है चेन रिएक्शन, एक क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करके एब्जॉर्प्शन ऑफ 1 क्वांटम, प्राइमरी प्रोसेस में एक क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट बन जाती है और फिर उस एक्साइटेड स्टेट से फर्दर रिएक्शन होता रहता है क्योंकि वो अनस्टेबल है, तो वो दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करती है। जैसे इसका एग्जांपल है चेन रिएक्शन, जो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है Cl2 जो है पहले एक क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करेगा, Cl2 का एक्साइटेड मॉलिक्यूल बन जाएगा, दिस इज द प्राइमरी प्रोसेस। अब सेकेंडरी प्रोसेस में ये Cl2 का डीकम्पोजिशन हो जाता है और इससे दो Cl के रेडिकल बन जाते हैं, फिर Cl अब H2 से रिएक्ट करेगा, HCl बन जाएगा प्लस H*, ठीक है, H*, Cl2 से रिएक्ट करेगा, HCl बन जाएगा और Cl रेडिकल बन जाएगा। तो इनिशियली एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल एक्साइट होके प्राइमरी प्रोसेस में एक्साइटेड स्टेट बनी, अब इसी एक्साइटेड स्टेट से फर्दर रिएक्शन होते रहते हैं क्योंकि इस Cl2 से दो रेडिकल्स बन गए, इससे फिर हाइड्रोजन से रिएक्ट करना, अब वापस आपके पास दूसरा Cl का रेडिकल जनरेट हो गया, तो दिस चेन रिएक्शन कंटिन्यूस। तो एक क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स H2 और Cl2 के रिएक्ट कर लेते हैं,
तो क्वांटम एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाई क्वांटम यील्ड रिएक्शंस। अब लो क्वांटम यील्ड रिएक्शंस जो है उनके एग्जांपल और उसके जो रीजंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।